मेरे भाई, मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। पगले कहीं के, तुम मेरे सुनते क्यों नहीं हो? मुझे क्षमा कर दो। लेडी सिफ, वैजी को बुलाइए। वैजी को बुला। तुम्हें मेंढक बनाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो वाकई अच्छा मजाक था। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। तुम एस्कार्ट के रक्षक हो। मैं पिताजी को बताऊंगा तुम्हारे इस बलिदान के बारे में। मैंने ये उनके लिए नहीं किया। मैंने ये उनके लिए नहीं किया भाई। और फिर लोकी परलोक सुधार गया, हमारे लिए अपना जीवन त्याग किया। उसने घिनौने राक्षसों से लड़कर हमारे ग्रह पे शांति स्थापित की। एस्गार्ड के रक्षक नहीं, तुम बस एक नन्हे नीले शिशु थे जिसने मुझ जैसे पत्थर दिल को पूरी तरह से पिघला दिया। बड़ा दिलचस्प नाटक है, इसका नाम क्या है? एस्गार्ड के लोकी की ट्रेजेडी, जनता उसे श्रद्धांजलि देना चाहती थी। हाँ, देनी भी चाहिए। वैसे मूर्ति अच्छी है, उसकी असली शक्ल से कई गुना बेहतर है। अरे, एक काम करो, इसे तिजोरी में डाल दो ताकि ये फिर से भयानक राक्षस बनकर सब कुछ भस्म न कर दे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हो सकता है, पर फिर जब मैंने छानबीन की तो पता है मैंने क्या देखा, कि नवग्रहों में उथल पुथल मची है। तुम जानते हो ना, मेरा हथौड़ा मेरे हाथ में वापिस आकर रहेगा। ठीक है, तुम ठीक है। तुम्हें एक काम दिया था, सिर्फ एक। कहाँ है ओडिन? तुम चैन से दूर नहीं रह सकते थे ना। सिर्फ एक बार पूछूंगा, पिताजी कहाँ है? तुम जो चाहते थे तुम्हें मिला, जो आजादी चाहिए थी मिली। ओके, बताता हूँ वो कहाँ है।